अच्छा दस दस मिनट आप पहले मुझे सुनोगे ठीक थी, से ठीक है दस मिनट के बाद वी विल स्टार्ट टेक्निकल ट्रेनिंग ना अभी मैं आपको पहले एक बार कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ट्रेनिंग का नाम सर्टिफिकेशन नेम सिलेबस को लेके ट्रेनिंग कैसे प्रोसीड होगा तो हार्डली वी विल टेक हार्डली टेन मिनट होली ना नाउ so होपफुली आपको मालूम है ट्रेनिंग का नियम क्या है लर्निंग अब एस पर दी, Hat, इसका सर्टिफिकेशन कोड कौन सा है ई एक्स टू नाइन्टी फोर क्या बोलते हैं इसको हम लोग ई एक्स टू नाइनटी फोर वी कॉल दिस आर सी सर्टिफाइड इंजीनियर तो ठीक है अभी देखो एनसीपल जब इंडस्ट्री में आया था ना तो इनिशियली इट वाज ओपन सोर्स एनसीपल अपने आप में इट सेल्प कम्युनिटी है एक प्रोडक्ट का नाम भी है और कम्युनिटी नेम भी एनसीपल ठीक है लेकिन ट्रेनिंग करना कंडक्ट इसके सर्टिफिकेशन देना और अभी राइट right नाउ अगर यू आर लुकिंग सपोर्ट ओवर द एनसीपल सो रड आर गिविंग बेसिकली they are offering official certifications training programs or official support that conduct by red hat ठीक है या yeah, ऐसा बोल सकते हो कि एनसीबल को कम्प्लीटली रेड हेट ने एक्वायर कर लिया है अब जो भी इसके वर्जन देना इसमें कोई भी चेंज करना uh, that मेंटेन by रेड हेट कम्युनिटी ओके ठीक है तो इंडिपेंडेंटली आप बोलो कि वी आर लर्निंग हर एनसीबल क्या बट एनसीबल के ऊपर जो सर्टिफिकेशन मार्केट में अवेलेबल है पहला एग्जाम उसका नाम है ई एक्स टू फोर जिसको बोलते हैं आर एस सी ई सर्टिफाइड इंजीनियर राइट ठीक है ट्रेनिंग से पहले डेफिनेटली आपको पहले पूछना कि इसके स्किल्स क्या क्या हमारे पास होने चाहिए तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं एनसी वल एक कॉन्फिगेशन टूल है जिससे अपनी आई टी कंपनी में होने वाले कोई भी चेंजेस को वी कैन ऑटोमेट जिसका टेक्निकली आगे बात मैं आपसे करूंगा अभी एनसी वल से जब जब हम इसका ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है एनसी वल से वी कैन ऑटोमेट आवर लिनेक्स कॉन्फिगेशन जॉब्स विंडो कॉन्फिगेशन जॉब्स डिवाइसिस राउटर्स फायर यानी आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला कोई भी चेंज बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है सेवरल सिस्टम परफॉर्म करना होता है हम लोग को वी डोंट है ओके मैनुअल इंटरवेंशन में नहीं कर सकता तो देयर वी आर अडपी टू टू ऑटोमेट आवर चेंजेस तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोफाइल नहीं है कि यार माइक्रोसॉफ्ट वाला बैकग्राउंड का बंदा नहीं बढ़ सकता इसको नेटवर्क इंजीनियर वाले प्रोफाइल का बंदा नहीं पढ़ सकता सिर्फ लिनेक्स बैकग्राउंड का बंदा होना चाहिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्योंकि देसी जलाइ टेक्निक एक ऑटोमेशन टेक्निक है जिसको कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल में फिट कर सकता है आज के टाइम पर ऐसा तो बोलना ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली कि सबका बैकग्राउंड लिनक्स का होना चाहिए ओके okay? हाँ लेकिन सिक्सटी परसेंट कंपनी ये तो आपको मालूम ही है कि सर्वर का जो मार्केट है इंडस्ट्री में वो लिनक्स का ज्यादा है कंपेयर टू विंडोज राइट तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट में आते हैं आज के टाइम पर जिन उन सबका बैकग्राउंड मोस्टली लिनक्स का होता है तो हमने ऐसा मान लिया कि लिनक्स वाला ही बंदा इस ट्रेनिंग को पढ़ने आता है राइट ना बट ऐसा नहीं है आई टी एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल आपका बैकग्राउंड आई टी का होना चाहिए बस आपका अब आई टी की प्रोफाइल में आप एक सिस्टम एडमिन हो तो भी बड़े आराम से एनसीपल काम में आपके आएगा ठीक है आप क्लाउड इंजीनियर हो डेव्स इंजीनियर हो आप नेटवर्क प्रोफाइल में भी आता है एनसीपल का रोल ओके okay? कहीं भी इसको हम फिट कर सकते हैं बट जनरली मैं जैसा मैं देख रहा हूँ आपके बैच में मोस्टली यू आर गाइड फ्रॉम लिनक्स बैकग्राउंड ओके तो लिनक्स आने से थोड़ा ये रहता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हमको हो जाती है अब जिसने कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम ही नहीं किया आज तक कभी सर मुझे लिनक्स की ऑटोमेशन सीखना है इंसीबल से बट लिनक्स मुझे आता ही नहीं है तो ये बात गलत हो गई फिर जब तक किसी टेक्नोलॉजी का आपने एडमिन फेस कभी देखा ही नहीं लिनक्स आपके स्किल्स में है नहीं और से यू टू ऑटोमेट लिनक्स सर्वर तो डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा सर मुझे विंडोज का सीखना है, है। पढ़ा नहीं क्या होता है सर मुझे नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेट करना है से तो मेरा कहना यह है कि जो प्रोफाइल में बंदा इसको फिट करेगा पहले उस प्रोफाइल का एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं सोचना कि आपने कॉलेज पास आउट किया ऑटोमेशन का मार्केट आ रहा है चलो एन सी पर पढ़ लेते हैं हम लोग नहीं एक स्टेज है पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो जॉब्स होती हैं आईडी कंपनी के अंदर पहले वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा पहले इंटरवेंशंस मैनुअली काम इंडस्ट्री में कैसे हो रहे थे उसका एटलीस्ट आपको बेसिक पहले नॉलेज होना चाहिए देन वी कैन ऑटोमेट आवर टास्क फिर आपको ऑटोमेशन का वैल्यू समझ में आता है तो आई होप इस बैच में सभी स्टूडेंट का बैकग्राउंड एटलीस्ट आई का होगा और आई टी में भी एटलीस्ट शुड लाइक यू शुड अ बेसिक आइडिया अबाउट नेटवर्क क्या होते हैं लिनक्स का मतलब क्या है सिस्टम का मतलब क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है ये एटलीस्ट आपको मालूम होगा ठीक है सो देन वी कैन स्टार्ट एन ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है ऑफिशियल ट्रेनिंग थर्टी टू थर्टी फाइव आवर्स अप हो जाता है यानी सिक्स वीक सिक्सिक्स टू सेवन वीक्स मैक्स टू मैक्स ट्रेनिंग जाता है मेरे साथ ठीक है ट्रेनिंग के अंदर जो ऑफिशियल कंटेंट होगा वो नेटवर्क लाउड का अपना नहीं है एज पर दैडेड जो इसका ऑफिशियल बुक होगा वो मैं आपको दूंगा और सेम कंटेंट वी आर फॉलोइंगयर ओके तो एक सेकेंड के अंदर मैं आपको कंटेंट शो करा देता हूँ दिस इज़ एन सी बल ऑफिशियल बुक टू नाइन्टी फोर का ही बुक है इसमें अराउंड टेन चैप्टर्स हैं टेन चैप्टर में बिल्कुल जीरो से तो ऐसा नहीं सोचना कि काफ़ी लाइक बेसिक पहले मुझे एन सी वल आना चाहिए नहीं बुक में एन को जीरो से स्टार्ट किया गया है एन का एक्चुअल में यूज किया है इंट्रोडक्शंस इसका इंस्टॉलिंग मैथड्स एन में इन्वेंट्री फाइल्स क्या होती हैं एन में कॉन्फ्लिक्ट फाइल्स हाउ टू मैनेज प्ले बुक्स होफुली आपने कभी सुना होगा प्ले बुक्स एन में जो ऑटोमेशन के टास्क लिखे जाते हैं जिस फाइल के अंदर दैट इज कॉल्ड एन सी प्ले बुक्स सो डेफिनेटली वी आर लर्निंग हेयर कि प्ले बुक डेवलप कैसे होती है स्टार्टिंग से राइट right? एनसी वैल में डेफिनेटली वेरेबल्स कंसेप्ट आता है सिक्रेट्स सेंसेटिव डेटा कैसे एनसील में हाइड करते हैं फैक्ट्स क्या होते हैं एन सी वल के अंदर लूपिंग्स लूप कॉन्फिगेशन टूल में हमेशा पिक्चर में रहता है ठीक है कंडीशन बेस्ड टास्क लगाना है एन सी पल के अंदर हैंडलर्स नोटिफायर टास्क फेलियर को डिटेक्ट करना जिंजा फाइल्स क्या होती हैं जिंजा टेम्पलेट्स ठीक है उसके बाद <coughs> लार्ज प्रोजेक्ट को मैनेज करना रोल्स स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं एन के अंदर कलेक्शंस का कलेक्शन एक नया कन्सेप्ट है देन ट्रेवल शूटिंग के कुछ टास्क पढ़ेंगे हम लोग और फिर मेजरली लिनक्स में ऑटोमेशन के कुछ टास्क होंगे फिर आपके जैसे लिनक्स सिस्टम में एन से सॉफ्टवेयर डालना सब्सक्रिप्स इनेबल करवाना यूजर्स को मैनेज करना एन से यूजर्स के पासवर्ड मैनेज करना सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस प्रोसेस को किल करना मैनेज करना टास्क को शेड्यूल करना है से राइट डिस्क बनाना एलबी बनाना पार्टीशन बनाना डिस्क को फॉर्मेट करना माउंट करना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है से सो दीज आर सम रियल टाइम टास्क नाइन चैप्टर में पहले टॉपिक यू आर लर्निंग वन बाई वन फिर बाद में वी आर लर्निंग एज अ लाइक प्रोजेक्ट लेवल इन चैप्टर नाइन जिसमें वी आर गेटिंग सम रियल टाइम टास्क जो डेली इंडस्ट्री में हम लोग परफॉर्म करते हैं अराउंड नाइन चैप्टर्स वी आर कवरिंग हेयर अब एक कंसेंस आपके माइंड में आ रहा होगा कि एन सी वल के लिए एक ट्रेनिंग रेडट और करता है कंडक्ट जिसको बोलते हैं थ्री सेवेंटी फोर अर्लीयर इसको बोलते थे हम थ्री सॉरी इसका जो पहले नाम था फोर फोर सेवन था अब ई एक्स फोर फोर सेवन एग्जाम कर दिया रिटायर और उसके जगह पर एक एग्जाम एक आ गया नया एग्जाम जिसको बोलते हैं सेवनटी फोर थ्री सेवेंटी फोर में बेसिकली वर्ट दे आर कवरिंग एनसीबल को मैनेज करने का दो तरीका है हमारे पास एक कमांड लाइन 294 में वी आर लर्निंग एनसीवल कम्प्लीटली कमांड लाइन और बाद में रेडेट दे आर ऑफरिंग वन जी वाई टूल जी वाई मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ओवर दी एनसीबल जिसको बोलते हैं एनसीबल टावर तो 294 के सिलेबस में एनसीवल टावर दे आर नॉट कवरिंग जिसके लिए ट्रेनिंग 374. दिया दिया टावर, सर्वर टावर कर दूंगा, जो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा वो तीन चार क्लास का मीनिंग मान लेना कि वो 374 में जो टावर पढ़ाया गया है जल्दी जल्दी से उसके बेस पे आराम से आप टावर पर काम कर सकते हो तीन चार क्लास में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है मैनेजमेंट ग्राफिकली कैसे काम करते हैं इसके अंदर राइट right. तो फाइनली ट्रेनिंग के बाद यू कैन राइट टू सर्टिफिकेशन टू नाइनटी फोर का एग्जाम राइट right कर सकते हो और इफ यूर प्लानिंग फॉर थ्री सेवनटी फोर वो भी आप राइट right कर सकते हो दोनों एग्जाम में एक डिफरेंट है लेकिन टू नाइनटी फोर का सर्टिफिकेशन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट ई एक्स टू हंड्रेड सर्टिफिकेशन रेड हार्ट के इन्वेंट्री में एक एग्जाम होता है टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर आर एस सी एस सर्टिफिकेशन देन यू कैन गो फॉर आर एस सी ई विदाउट आर एस सी एस ए टू नाइनटी फोर आप राइट नहीं कर सकते बट थ्री सेवेंटी फोर दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जाम डायरेक्टली लाइक एनी बडी कैन प्लानिंग और उसको अलग से नीड नहीं पड़ती है थ्री सेवेंटी फोर एग्जाम आप लोग सेपरेटली राइट कर सकते हो ओके okay? थोड़ा सा और एक डिफरेंट है सर्टिफिकेट जब रेडेड रेडेड आपको देता है ना ईमेल के ऊपर तो सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट में एक टाइटल आता है उस टाइटल में ना अगर यू यू आर राइटिंग टू फोर तो टू फोर वाले एग्जाम में स्टिल दे आर सर्टिफाइड इंजीनियर समथिंग करके ऐसे रेडेड सर्टिफाइड इंजीनियर ऑटोमेशन मतलब क्लियरली दे आर नॉट मेंशनिंग एनसीबल सर्टिफाइड समथिंग तो कुछ कंपनी मार्केट में है जहाँ सर्टिफिकेशन के बेस पर दे आर हायरिंग और दे आर लाइक दे नीड इंडिविजुअल गाइड जिसके पास एनसी वर्ल्ड सर्टिफाइड समथिंग करके एक सर्टिफिकेट होना चाहिए तो फिर वहाँ टू फोर का थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है या तो क्लियरली समझाना पड़ता है उसको काउंसलर्स को एच को या फिर लाइक like उनको इंडिविजुअल सर्टिफिकेट में टाइटल चाहिए एडवांस ऑटोमेशन समथिंग करके तो वो मिलता है आपको ई 374 थ्री सेवेंटी फोर के अंदर तो सर्टिफिकेशन का जो टाइटल है उसका भी डिफरेंट है उसमें स्टिल एस पर सर्टिफाइड इंजीनियर हो इसमें एक्सपर्टाइज एंसी वो ऑटोमेशन ऐसे एक, एक टाइटल आपको मिलता है ठीक है राइट right. सर मुझे कौन सा एग्जाम राइट करना चाहिए कैसे मालूम चलेगा तो डेफ़िनेटली जब आप एग्जाम की प्लानिंग करते हो सो दैट टाइम यू कैन आस्क मी मैं आपकी प्रोफाइल को पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उसके बेसिस पर वी कैन डिसाइड कि आपको टू हंड्रेड जाना चाहिए सॉरी टू नाइन्टी फोर आपको करना चाहिए थ्री सेवेंटी फोर करना चाहिए आपको कुछ बातें हैं जैसे अभी सर्टिफिकेशन आपने कभी राइट ही नहीं किया आज तक आई टी में आर प्लानिंग फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट 200 और 294 नाइनटी फोर ऑलरेडी आप रेल रेड के पुराने वर्जन पे एग्जाम राइट कर चुके हो ऑलरेडी कभी आपने आरएससी सर्टिफाइड है पहले हो चुके हो प्रवियस वर्जन के ऊपर तो फिर डायरेक्टली आप 374 राइट कर सकते हो इन की मुझे दोबारा से सर्टिफाइड इंजीनियर होना है फिर उसकी नीड नहीं है ओके ठीक है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आई I मीन mean, जो इसका बुक है ऑफिशियली वो काफ़ी प्रैक्टिकल कंटेंट है उसके अंदर काफ़ी टाइम हम सोचते हैं ट्रेनिंग में कितना प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम लोग तो काफ़ी प्रैक्टिकल कंटेंट है जितना इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं डेली उस टाइप के सीनैरियोज़ इस बुक में अवेलेबल है ओके okay, तो पॉजिटिवली ट्रेनिंग को लो आप लोग और इस सिलेबस पे आई मी बिलीव करो और इस सिलेबस आपको बेसिकली इंडस्ट्री लेवल से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में काम आएगा आपकी ऐसा नहीं कि बाद में ये ट्रेनिंग के बाद कुछ और पढ़ना पड़ता है कि अलग सेपरेटली नहीं इतना हेल्दी कंटेंट है अगर एक्चुअल में आप इसको बाइंड अप करोगे प्रॉपरली तो अच्छी लेवल से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ओके बट एट द एंड मैटर करता है प्रैक्टिस क्योंकि एन एक ऑटोमेशन टूल है इसमें कॉन्फिगेशन सोचना लिखना यानी जो प्रैक्टिस नहीं करते ना तो वो ऑन के बिना फिर कॉन्फिडेंस कभी आ नहीं पाता हम लोग को कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई कोई भी लाइक कॉन्फिगेशन टूल्स हो गए इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है ओके okay? ठीक है सर्टिफिकेशन के लिए बाद में एक सेशंस का कंडक्ट होते हैं अलग से ट्रेनिंग के बाद जिस जिस सर मुझे इसका एग्जाम प्लान करना है तो एग्जाम्स के लिए क्या सपोर्ट रहेगा आपकी साइड से तो एग्जाम्स के लिए वी आर लाइक ऑफरिंग वी आर कंडक्टिंग एग्जाम सेशन और एग्जाम सेशन में ट दर एग्जाम मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट का मतलब सिंपल सा एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में क्या करके आना है मुझे सेम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे आप लोग तो वो तो कभी भी एग्जाम आप राइट कर सकते हो आराम से सर्टिफिकेशन निकालना ही आपका गोल है तो ईजिली वो तो आराम से निकल जाता है क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाता है उसका वन वीक आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत बड़ी फाइट एग्जाम निकालना आज के टाइम पर नहीं है क्योंकि रियल टाइम मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ से तो वो एक गोल अलग है आपका बट ट्रेनिंग का एक्चुअल जो एक्चुअल यूज है ना वो भी आप समझो बात को ठीक है प्रैक्टिकल के लिए इस ट्रेनिंग में एटलीस्ट आपके पास ज़्यादा नहीं आठ जी बी रैम अगर लैपटॉप में है आपके में तो लोकल सेटअप इसका बना बना के आराम से लैब कर सकते हो ऐसे मैं दो पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगा एक सेटअप वी विल प्रपेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कि जिसके पास लोकल लैपटॉप में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है अगर तो पूरा एन का ट्रेनिंग क्लाउड की मशीन में लैब परफॉर्म कर सकता है जिसके पास लोकल लैपटॉप में रैम है अगर हार्डली बी रिक्वायर्ड एट जी रैम तो लोकल लैब भी इसका बना के देखेंगे आपकी चॉइस रहेगी दोनों में से आप कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे आपका माइक म्यूट रहता है पहले प्रॉपर मुझे आप सुनो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है अगर तो साथ के साथ क्वेश्चन को पहले प्रॉपर नोट करते जाओ कि आपने लेक्चर में ये बात बोली थी ये समझ में नहीं आया ठीक है टॉपिक के बाद मैं अनम्यूट करने के राइट्स आपको देता हूँ देर वहाँ से आराम से अपना क्वेरी पुट कर सकते हो ड्यूरिंग द टॉपिक थोड़ा डिस्टर्बेंस अगर आपको ना हो तो आपका माइक यहाँ से मैं हमेशा म्यूट रखता हूँ रैंडम क्वेश्चन ऐसे अलाउ नहीं होता पूछना आराम से वेट करो टॉपिक पहले पूरा सुनो तरीके से फिर बड़े आराम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ओके okay? और बाद में भी आपको लगता है कि जब मैं लैब परफॉर्म करूंगा तो लैब के ड्यूरेशन में जो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी उस टाइम पर सपोर्ट क्या रहेगी तो वीक डेज में सेपरेटली डाउट सेशन कंडक्ट होता है लेट नाइट नाइन पी के आसपास ग्रुप में आराम से आप बोलो कि मुझे कुछ मुझे कुछ कंसर्न आ रहा है लेब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं वहाँ भी आपको मीटिंग आईडी भेजता हूँ और वहाँ प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ठीक है वो वीक डेज में एक टाइमिंग फिक्स तो नहीं रहता उसका कभी एट थर्टी नाइन पी एम ऐसे वो सेशन होता है हमेशा और वो वीक में एक दो दिन में हमेशा रहता हूँ अवेलेबल कभी ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से तो ग्रुप में एक बार मुझे बता दो आप कि मुझे कुछ डाउट्स आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइम कन्फर्म कर देता हूँ आप लोग को ठीक है ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअल ट्रेनिंग उससे पहले कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा है अभी ट्रेनिंग से पहले तो वहां से अपना हैंड रेज कर दो दस मिनट मैं आपको दे रहा हूं बोलने के लिए बस कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा है तो आप फ्रीली आराम से पूछ सकते हो देन वी विल स्टार्ट हैंड रेज आपसे नहीं हो रहा है अगर तो आप लाइक like रैंडमली अपना माइक अनम्यूट करो और बोल सकते हो आप

सो ऑल दे आर रनिंग बेस्ड ऑन लिनक्स सर्वर तो लिनक्स की प्रोफाइल के बिना कहीं भी निकलना मेरे कोडिंग बेनिफिट नहीं आप Linux, है आप लोगों का एड इवन लिनक्स एनसीबल का इंस्टॉलेशन भी लिनक्स बेस्ड है वी कैन पुस्ट कॉन्फिगेशन ऑन वेब सर्व आई मीन ऑन विंडो मशीन ऑन राउटर्स डिवाइस बट एनसी का जो सर्वर होगा ना बस वो भी लिनेक्स वेस्ड ही होगा आर यू गर्टिंग का मतलब क्या होता देखो। Sir, से पढ़ा हुआ है देखो सर तो सबके केस में बट बेसिक आपने कभी फाइल कॉपी करना सी पी कमांड एल एस कमांड कभी लिनक्स में यम कमांड क्या होती है एपीटी कमांड क्या होता है एम के डी आर कभी लिनक्स में पार्टीशन बनाना कभी किसी फाइल को कॉपी कर देना फाइल में कोई लाइन चेंज कर देना जैसे वी आई एम कमांड सर्विस कमांड तो ये बेसिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि नहीं नहीं है मैटर करता। yeah. okay? yeah. सर ये, सर ये जिस, जिस इसके लिए क्या ठीक बोली आपने मैंडेटरी बट एक कॉन्फिडेंस वर्ड होता है ना क्योंकि एनसीबल की प्रोग्रामिंग पायथन में हुई है ओके okay? स्केप्टिंग फेस को डिजाइन किया गया पाइथन के अंदर बैकएंड में ओके okay. तो मैं जितना पढ़ाऊंगा डेफिनेटली समझ में आपको आएगा बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना बाद में ट्रेनिंग के बाद यस yes, यस yes. वो पाइथन लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए ओके okay. 100% एंसेबल को यू वांट टू लाइक अगेन प्रॉपर्ली तो पाइथन रिक्वायर्ड है बट नहीं यार मुझे अभी बिगिनर लेवल से मुझे एनसीबल uh, समझना है तो पाइथन कहीं ऐसा लिखा नहीं कि पाइथन आपको आना चाहिए अच्छा। बट जैसे जैसे मैंने कुछ भी प्ले किया यहाँ से देखो होता क्या है एनसीबल टोटली डिपेंड ओवर द मॉडल क्या ओके। मॉडल मॉडल का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन में जो काम वीवर परफॉर्मिंग वाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो नॉलेज मॉडल में इंटीग्रेट हो चुकी है okay. अब कोई बंदा बोलता है स्टूडेंट इस इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है ये दिखाओ मुझे ओपन करके तो जब मैं उस चीज को ओपन करके दिखाऊंगा ना तो टूल तो फिर है आपके लिए एक होता है कि उसको डेली मुझे यूज करना है सर अंडरलाइन जो जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ना उससे मुझे मतलब नहीं डेली का यार तो फिर कोई नीड नहीं है पाइथन की ओके

गुड आफ्टरनून सर थ्री सेवेंटी फोर और टू नाइन्टी फोर तो टू नाइन्टी फोर को स्किप करके थ्री डायरेक्टली फोर डायरेक्टली कर सकते, कर सकते okay. अगर टू सेवेंटी फोर किया हुआ है उसके बाद भी ये कर सकते थ्री सेवेंटी फोर बोलो ओ सॉरी मतलब टू नाइन्टी फोर अगर किया हुआ है

ओके ओके बस और सेकंड इसका इसका सर्टिफिकेट पेस क्या है सी ट्वेंटी फोर का सर्टिफिकेशन अभी आ, इसका चल रहा है नाइनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी के आसपास थ्री सेवेंटी फोर का यानी ट्वेंटी के चलता है अराउंड हाँ ओके तो थ्री ये फोर नहीं कोई भी सर्टिफिकेशन अभी आप राइट करते एग्जाम रेडेड का हाँ हाँ तो वो थ्री वो ट्वेंटी के के आसपास हो जाता है अभी ओके ओके सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है ओके थैंक यू राम सर जिसे मेरे पास मतलब रेडेड का सर्टिफिकेशन नहीं है बट मोर देन टेन इयर्स का एक्सपीरियंस है इवन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग का फाइव इयर्स एजियोर और ए डब्ल्यू एस गूगल का है तो क्या मुझे रेडेड का करना चाहिए या डायरेक्ट एन का करना चाहिए एनसीबल सर्टिफिकेशन कंडक्ट तो करता रेडेड ही है ना दोनों एग्जाम ये भी और ये भी

जनरली जो स्टूडेंट अभी मार्केट में लाइक अपना करियर सेट करना चाहता है या जो अभी एक डेढ़ साल से, में अभी से है, तो दो साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो टू तक अभी इनफ है आपको नहीं, आप तो आप तो नहीं रे, रेड का नहीं बट मेरे पास तीनों क्लाउड का है और फाइव हंड्रेड का निकल जाओ है आपके लिए थैंक यू सर ठीक है भाई तो जनरल डिस्कशन आई थिंक वो गया अभी जो भी डिस्कशन आपका बचा है अगर अभी तो लेटर क्लास के बाद बात कर सकते हैं मुझसे